माइसेल्फ नीरज कुमार और आज आपका स्वागत है यूट्यूब के चैनल पर। और आज हम 12th क्लास का सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 3 आपके सामने लेके आए हैं। लेक्चर 2 लेक्चर पहले हो चुका है सरफेस केमिस्ट्री के विषय में। हमने बता रखा था कि सरफेस केमिस्ट्री एक सरफेस फिनोमिना है। इसके अंदर जो हम मेन रूप से पढ़ रहे थे एब्जॉर्प्शन के ऊपर पढ़ रहे थे। एब्जॉर्प्शन 2 टाइप का होता है, ये भी हम बता चुके हैं। तो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना जो है एक सरफेस फिनोमिना है। और एब्जॉर्प्शन फिनोमिना में क्या होता है, कोई सब्सटेंस आता है और किसी के सरफेस पर आके एक्युमुलेट होता है, रिटेन करता है, यानी इकट्ठा होता है। तो जो पार्टिकल आकर के रिटेन करता है, पार्टिकल्स दैट एब्जॉर्ब, जो पार्टिकल आके एब्जॉर्ब होता है किसी के सरफेस पर, उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंट के नाम से जानते हैं। और जिसके सरफेस पर रिटेन करता है उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंट कहते हैं। यानी इसमें 2 टर्म है, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना के अंदर 2 टर्म है। एक तो पार्टिकल जो आके एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम एब्जॉर्बेंट कहते हैं। यानी एब्जॉर्बेंट क्या है, पार्टिकल्स दैट एब्जॉर्ब, जो पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा उसी को हम एब्जॉर्बेंट कहेंगे। और जिसके सरफेस पर होगा ये फिनोमिना उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंट कहते हैं। हम एब्जॉर्प्शन के विषय में बता रखे थे कि एब्जॉर्प्शन जो है 2 प्रकार का होता है, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन और एक केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो इसी का हम आज कंपैरिजन का स्टडी करेंगे कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, क्योंकि इससे बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठते हैं, एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है। तो इस टॉपिक को सिस्टमेटिकली हम स्टडी करेंगे इसके कंपैरिजन का, इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव पॉइंट मिलेंगे। तो कंपैरिजन है, एक स्टडी है दोनों के बीच का कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में वंडरवाल्स फोर्स प्रेजेंट रहता है। वंडरवाल्स फोर्स कैसा फोर्स है, एक फिजिकल बॉन्ड है, एक फिजिकल फोर्स है। तो याद रखिएगा फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वंडरवाल्स फोर्स प्रेजेंट होता है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यह किस तरह का बॉन्ड है, यह केमिकल बॉन्ड है। मालूम है केमिकल बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है और फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर वंडरवाल्स फोर्स प्रेजेंट होता है, जो एक फिजिकल फोर्स है। दूसरा पॉइंट यही है, चूंकि यह वंडरवाल्स फोर्स से बनता है या फिजिकल फोर्स से बनता है, तो यह एक बिग बॉन्ड है। फिजिकल फोर्स है यानी यह बिग बॉन्ड से बनता है, यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन कमजोर होता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है, यह आपका एक केमिकल बॉन्ड है, यानी यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बनता है। तो याद रखिएगा केमिकल एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग होता है और फिजिकल एब्जॉर्प्शन वीक होता है। तीसरी बात है इनर्जी का रिलीजिंग। देखिए जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो इनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का मतलब सिंपल भाषा में रिलेशनशिप होता है, यानी 2 सब्सटेंसों के बीच में जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो जहां भी 2 चीजों के बीच बॉन्ड बनेगा, जैसे ये 2 चीज अलग अलग है, अब इसको अगर बॉन्ड बनाने के लिए नजदीक लाना पड़ेगा, जब 2 चीजों को हम बॉन्ड में तब्दील करेंगे यानी नजदीक रहकर रिलेशनशिप बनाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, दोनों सब्सटेंस एनर्जी रिलीज करेगा, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। तो देखिए, तो ये भी फिजिकल फोर्स है, फिजिकल बॉन्ड से बनता है, लेकिन कुछ भी हो बॉन्ड तो बनता है ना, तो एनर्जी रिलीज होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एनर्जी रिलीज अबाउट 20 से 40 किलो जूल पर मोल। देखिए कम से कम 20 जूल पर मोल रिलीज होगा या ज्यादा से ज्यादा 40 किलो जूल पर मोल होगा, यानी इसी के बीच में एनर्जी का रिलीजिंग होता है पर मोल। एनर्जी रिलीज अबाउट 20 to 40 किलो जूल पर मोल। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। देखिए बॉन्ड जितना मजबूत बनता है, एनर्जी सब्सटेंस को उतना ज्यादा रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज करेगा तभी बॉन्ड बनेगा। जब बॉन्ड बनेगा तो स्टेबल हो जाएगा सब्सटेंस। तो सब्सटेंस स्टेबल कब होगा, जब अपना एनर्जी निकाल देगा, यानी लोअर एनर्जी के क्षेत्र में आएगा, तभी वो स्टेबल होगा। तो चूंकि ये केमिकल बॉन्ड है और मजबूत बॉन्ड से बनता है केमिकल एब्जॉर्प्शन, इसलिए इसमें क्या होता है, थर्ड पॉइंट में देखिए, एनर्जी रिलीज अबाउट 82 to 240 किलो जूल पर मोल, यानी इसमें 80 से 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है। अब देखिए जहां भी एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी रिलीज को केमिस्ट्री की भाषा में हम डेल्टा एच निगेटिव वैल्यू मांगते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो क्या है, डेल्टा एच निगेटिव से दिखाएंगे। यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसको भी डेल्टा एच निगेटिव भाषा में दिखाते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि डेल्टा एच निगेटिव का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज। ये एक सिंबल है, डेल्टा एच निगेटिव है तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज अबाउट 20 से 40 किलो, इसलिए इसका डेल्टा एच निगेटिव है, इसका भी डेल्टा, दोनों एक्जोथर्मिक रिएक्शन है।
फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जहाँ एनर्जी निकल रहा है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कहीं डेल्टा एच निगेटिव है तो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन पता चल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है तो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी दोनों एक ही चीज को बता रहा है कि जो आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन है और केमिकल एब्जॉर्प्शन है, दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों में डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव प्राप्त होता है। इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन नो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक क्यों नहीं है? देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वंडर वाल्स फोर्स प्रोड्यूस होता है। देखिए कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, कोई भी मेटल का सरफेस ले लीजिए, उस मेटल के सरफेस पर कोई भी गैस लाइए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, SO2, CO2, कोई भी गैस लाइए, तो ये गैस पहले बाहर से आएगा और फिर आकर के इस सरफेस पर आकर रिटेन करेगा, मतलब रुक जाएगा, तो एक बॉन्ड की तरह रुक जाता है। कोई भी सरफेस खाली भी अगर कोई सरफेस है मेटल का, तो उसके ऊपर कोई ना कोई गैस आके रुका हुआ है, और किस फोर्स से रुका हुआ है, तो फिजिकल फोर्स से रुका हुआ है, यानी वंडर वाल्स फोर्स से रुका हुआ है। तो यहाँ पर वंडर वाल्स फोर्स बन रहा है, यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो चूंकि इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा गैस आके रुकेगा, कोई भी गैस कोई भी सरफेस पे आके रुक जाएगा तो वहां पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन बनेगा। और जनरल केस में कोई भी इसमें अगर सरफेस रखा है कोई सॉलिड का, कोई सब्सटेंस का, तो वहां पर कुछ ना कुछ गैस उसके ऊपर में एब्जॉर्ब रहता है, ऐसे रुका हुआ रहता है, और वहां पर कौन सा बॉन्ड बना रहता है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन बना रहता है। तो इसलिए ये नो स्पेसिफिक है, लेकिन ये हाईली स्पेसिफिक है केमिकल एब्जॉर्प्शन। क्यों हाईली स्पेसिफिक है? क्योंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में कोवेलेंट बॉन्ड को बनना है। कोवेलेंट बॉन्ड एक प्रकार का केमिकल बॉन्ड है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से केमिकल बॉन्ड बनता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो किसी के बीच हो नहीं सकता, कोई पार्टिकुलर एब्जॉर्बेंट और पार्टिकुलर एब्जॉर्बेंट के बीच ही रिलेशनशिप ये बन सकता है। इसलिए यह क्या है, एक हाईली स्पेसिफिक है, मतलब यह स्पेशल केस में बनता है। यह डिपेंड करता है कि कौन सा एब्जॉर्बेंट और कौन सा एब्जॉर्बेंट लिए हैं, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए यह क्या है, हाईली स्पेसिफिक होता है। अब चूंकि ये नो स्पेसिफिक है, इसलिए पांचवा पॉइंट कहता है डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। चूंकि इसमें कोई भी गैस आकर के किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर आकर एक्युमुलेट हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, इसलिए यह प्रोसेस फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, एक जनरल एब्जॉर्प्शन है। यानी एक जनरल केस में, जनरल केस में कोई भी सब्सटेंस अगर रखा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई, जैसे भी मान लीजिए टेबल है, इसके ऊपर भी कोई ना कोई गैस एब्जॉर्ब है आकर के, तो यहाँ पर कौन सा एब्जॉर्प्शन बन रहा है सरफेस के ऊपर, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन बन रहा है। तो ये डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, कोई भी गैस लाएगा उस गैस के द्वारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन बन जाएगा। लेकिन चूंकि ये हाईली स्पेसिफिक है, चूंकि ये केमिकल बॉन्ड से बन रहा है, तो किसी के साथ तो बनेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो किसी के साथ होगा नहीं, एक स्पेशल सब्सटेंस के साथ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इसलिए डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, कौन गैस कौन सा आ रहा है उसके साथ ट्रांसफर होगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन का, उसके साथ केमिकल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, यह निर्भर करता है। यानी यह जो है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, यह स्पेसिफिक है और डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस के ऊपर निर्भर करता है कि उस गैस के साथ केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा। अब देखिए छह नंबर का था रिवर्सिबल। देखो रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज आया ऐसे करके बॉन्ड बना दिया, ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। कोई गैस आया किसी सरफेस पर आके इकट्ठा हो गया, एक्युमुलेट हो गया, तो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन बन गया। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो पुराने स्टेट में लौट जाएगा, जिस स्टेट से आया था उसी स्टेट में लौट जाएगा, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन चूंकि ये सिंपल आके एक्युमुलेट हुआ है, कोई यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुआ है, दो एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच तो अट्रैक्शन है, पर अट्रैक्शन में कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, सिर्फ आपके एक्युमुलेट हुआ है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है फिजिकल बॉन्ड बना है, इसलिए रिवर्सिबल है। इसको अगर तोड़ेंगे तो पुराने स्टेट में वापस लौट आएगा। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है यह इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड जो है, इसमें जो बॉन्ड बना है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है, तो अगर इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो पुराने स्टेट में वापस नहीं लौटेगा। ये क्या होगा, अपने जिस स्टेट से आया है उससे कुछ अलग स्टेट में वापस लौटेगा, यानी यह इरिवर्सिबल है, यानी उस सेम प्रोसेस में लौटेगा नहीं जिस प्रोसेस से होके आया है। आप एक मोटे तौर पर समझ लो, समझने के लिए बता रहे हैं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक प्रकार का दोस्ती वाला बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, अगर फ्रेंड वाला बॉन्ड है, दो व्यक्तियों के बीच में अगर फ्रेंड वाला बॉन्ड बन रहा है तो वो कौन सा बॉन्ड है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यह आपको समझने के लिए बता रहे हैं, केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है एक प्रकार का मैरिज बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है, मैरिज बॉन्ड है, एक
एक विशेष परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल है। अगर एक बार मैरिज हो गया तो उसको आप अगर तोड़ोगे तो पुराने स्टेट में नहीं लौटेगा, जिस स्टेट से आया था उस स्टेट में तो वापस होगा नहीं, कुछ ना कुछ अलग स्टेट से वापस होगा, तोड़ने पर वही चीज तो आएगा नहीं। तो यह एक प्रकार का इरिवर्सिबल होता है, यानी केमिकल बॉन्ड समझने के लिए बता रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड एज लाइक ए मैरिज की तरह काम करता है, जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक प्रकार का आपका फ्रेंड वाला बॉन्ड की तरह काम करता है, ये फ्रेंड सर्किल का बॉन्ड है। अब देखिए मल्टीलेयर अब सात नंबर में कर रहा है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्बेंट आता है और एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, पहले एक लेयर बनाता है, फिर दूसरा आता है इसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, फिर तीसरा आता है इसके ऊपर, इस तरह से एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे लगातार एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर ऐसा बनता रहता है, तब तक जब तक कि ये अट्रैक्ट कर करके अपने आप को रिटेन करवा रहा है उसको। एक लिमिट आएगा जब ये लेयर बनना बंद हो जाता है, लेकिन पहले तो कई लेयर में बनता है, दो तीन लेयर तक तो बन ही जाता है, उसके बाद जो है उसके ऊपर लेयर नहीं बन पाता है। तो यह एक प्रकार का मल्टी लेयर मल्टी मोलिकुलर लेयर बनाता है, जबकि ये क्या है मोनो मोलिकुलर लेयर बनाता है। मोनो मोलिकुलर लेयर का मतलब आपको बताया ना, एक प्रकार का मैरिज टाइप का बॉन्ड है, तो ऐसे आके अट्रैक्ट होकर के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके ये आपस में बॉन्ड बना लिया। अब इसके ऊपर कोई दूसरा बॉन्ड दूसरा आकर के नहीं बनाएगा बॉन्ड, क्योंकि यह क्या है एक दूसरे से संबंध बना करके बॉन्ड बनाता है, इसलिए यह मोनो मोलिकुलर लेयर की तरह काम करता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब अगर हम आठ नंबर पॉइंट पर आते हैं, कहता है नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कोई सब्सटेंस को बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी पहले दिया जाता है, वो एनर्जी लेता है तब जाके बॉन्ड बनाता है। अब सवाल यह कि एनर्जी क्यों लेता है, तो जब एनर्जी इसलिए लेता है क्योंकि मान लो ये दो सब्सटेंस है, इसको हमको बॉन्ड में तब्दील करना है, तो बॉन्ड तभी बनाएगा जब ये एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन एनर्जी रिलीज उसी केस में होगा जहाँ केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो चूंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में सिर्फ अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन होने के बाद रिटेंशन हो जाता है, यानी कोई सब्सटेंस आया, गैस मान लीजिए आया, अट्रैक्ट हुआ इस सरफेस से, इस सरफेस पर आया, अट्रैक्ट हुआ और फिर रिटेन कर गया मतलब रुक गया, तो इस यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना, फिजिकल फोर्स बना, फिजिकल बॉन्ड बना। तो चूंकि यहाँ पर रुक जाता है, कोई बॉन्ड टूटता नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन में नो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायर्ड है। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी वही चाहिए जहाँ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर जहाँ पर हो, वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी से बॉन्ड बनता है। अब चूंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और आपको मालूम होना चाहिए, अपने 11th क्लास में पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड के विषय में, 9th क्लास में पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन इसका भी इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तब बनता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होकर बनता है, इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। केमिकल एब्जॉर्प्शन बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन बनने के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में 9th नंबर पर है इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन पर, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए। और इसमें भी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है केमिकल एब्जॉर्प्शन में। देखिए अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो रेट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर हम घटाएंगे, रेट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, या टेम्परेचर अगर उल्टा बोलेंगे तो क्या बनेंगे, रेट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखिए इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक एब्जॉर्बेंट आ रहा है, एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर आके रुक गया, अब ऐसे रुका है, बॉन्ड बना हुआ है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब नीचे अगर हम इस सरफेस को हीट करेंगे, एब्जॉर्बेंट को, तो हीट करेंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये एनर्जी किसको देगा, ये गैस को देगा, तो गैस एनर्जी पाएगा, जब एनर्जी गैस पाएगा तो भाग जाएगा, यानी बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम हायर एनर्जी पर बॉन्ड बनाएंगे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का रेट घट जाएगा।
क्या होगा, घट जाएगा टेम्परेचर। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घटता जाएगा, यानी यहाँ पर गैस का रिटेंशन होने का रफ्तार जो है कम होता जाता है। देखिए वही बात हमने लिखा भी है यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कौन सा एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसका देखेंगे, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का घटता जाता है। ठंडे टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का रफ्तार जो है कम होता जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें अभी आपको बताए थे ना कि इसमें होता क्या है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता वही होती है जहां कोई बॉन्ड टूट करके बनता है। जैसे मान लो ये दो कंपाउंड, ये दो अलग अलग सब्सटेंस है, अब इसके बीच हमको अगर बॉन्ड बनाना है तो सिर्फ अगर दूर से ला के यहाँ पर रोक दिए, अट्रैक्ट करा करके रोक दिए और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं करना है, केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता क्या होती है, मान लो ये दो सब्सटेंस है, इसके बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान से, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनाना है, तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बॉन्ड बनाने के लिए पहले इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, भाई एक का इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे में डालना पड़ेगा, यही तो होगा, तभी तो केमिकल बॉन्ड बनेगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, पहले इसको एनर्जी देंगे, एनर्जी देके इसके इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकालेंगे या इसमें से इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कराने के लिए पहले एनर्जी हमको सब्सटेंस के अंदर देना पड़ेगा, वह एनर्जी पा करके सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, तभी जाकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो चूंकि इसमें फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, यही रीजन है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसका डिक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, रीजन क्या है, एब्जॉर्प्शन इज एक्जोथर्मिक, ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए एक्जोथर्मिक तो दोनों है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी है, केमिकल एब्जॉर्प्शन भी है, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, यानी रिएक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज करेगा, बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद तो एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए दो सब्सटेंसों को एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होता नहीं है, तो नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द बॉन्ड। इसीलिए इसमें क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के आधार पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से ग्राफ देखिए, देखिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम एक्स बाई एम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बराबर एक्स बाई एम लेते हैं, यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को किस फॉर्मूले से दिखाते हैं, हम x बाई एम के रूप में दिखाते हैं, जहां x क्या है मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट है, m क्या है मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट है, यानी एक एब्जॉर्बेंट का मास है ऊपर में, नीचे एब्जॉर्बेंट का मास है, दोनों को भाग देते हैं तो जो वैल्यू मिलता है उसी वैल्यू को हम कहते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो अगर हम ग्राफ खींचे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम वाई एक्सिस पर दिखाएं, टेम्परेचर को हम एक्स एक्सिस पर दिखाएं, और इसके दरमियान अगर हम एक्स बाई एम और टी के बीच जो ग्राफ खींच रहे हैं, इस ग्राफ के दरमियान हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, प्रेशर को कांस्टेंट करके अगर ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ इस टाइप से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर का मान यहाँ रखे हैं, ध्यान से देखिए टेम्परेचर का मान यहाँ रखे हैं, तो एक्स बाई एम का वैल्यू कहाँ पर लाइज कर रहा है, यहाँ लाइज कर रहा है। अब देखिए टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया तो x बाई एम का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ आ गया, तो x बाई एम का वैल्यू क्या हुआ, पहले से घट गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे x बाई एम का वैल्यू घट रहा है, यानी कहने का मतलब इफ इंक्रीजेस द टेम्परेचर देन रेट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज, रेट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन का वैल्यू लगातार घट रहा है। और ये जो ग्राफ प्राप्त होता है, इस ग्राफ का स्पेशल नाम दिया गया है, इस ग्राफ को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। तो याद रखिएगा, पूछता है एग्जामिनेशन में कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ प्राप्त होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रख के रिलेशनशिप निकाला गया है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात अगर हम केमिकल एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो यहाँ ध्यान देने की बात है, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन पहले इंक्रीज करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है रेट ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक सीमा के बाद, एक बाउंड्री प्राप्त करने के बाद टेम्परेचर तो लगातार हम बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन घटने लगता है।
पहले तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है। एक लिमिट के बाद टेम्परेचर बढ़ता रहता है पर रेट ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन घटता रहता है। ये होती है फिनोमिना। इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में दिखाया है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन ले रहे हैं, केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन इज फर्स्ट इंक्रीजेज, पहले टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है एंड देन डिक्रीजेज, उसके बाद टेम्परेचर के साथ घटता है। कैसे? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पहले इंक्रीज करेगा, फिर टेम्परेचर तो बढ़ता ही रहेगा लेकिन रेट ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता रहता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ देखिए ग्राफ में x बाई एम से हमने बताया था ना कि x बाई एम से हम रेट ऑफ के रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को दिखाते हैं, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को y एक्सिस पर दिखाएं, टेम्परेचर को x एक्सिस पर दिखाएं, तो इसका ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है। देखिए पहले क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे टेम्परेचर हमने यहाँ रखा, टेम्परेचर हमने यहाँ किया, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ते रहा है। लेकिन इस लिमिट को प्राप्त करने के बाद उल्टा रिएक्शन होने लगता है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है लेकिन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लगातार अब क्या है, घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लगातार घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, तो इस तरह से घटता जाता है। यानी एक लिमिट तक तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम एक्स बाई एम से डिनोट करते हैं, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन यहाँ की बात करें, अगर इस टाइप की बात करें इस पोर्शन की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घट रहा है। और इस तरह का जो ग्राफ प्राप्त होता है, इस ग्राफ को हम कहते हैं हाफ एक्लिप्स ग्राफ। इसको क्या कहते हैं, हाफ एक्लिप्स ग्राफ कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो खींचते ही हैं, इसको भी, क्योंकि एक चीज को कांस्टेंट रख के ही ग्राफ खींचा जाता है। अब बात ये है कि रेट ऑफ, इसमें इस तरह का फिनोमिना क्यों होता है कि पहले टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो पहले इंक्रीज होता है, फिर एक लिमिट के बाद रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घटने लगता है टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ, ऐसा क्यों होता है, होता क्या है इसमें? देखिए बहुत सिंपल सी बात है क्यों ऐसा होता है। जैसे जब हम केमिकल एब्जॉर्प्शन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले इस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए एब्जॉर्बेट आएगा, तो एब्जॉर्बेट के बीच भी जो सब्सटेंस है उसके बीच भी मान लीजिए कोई ना कोई बॉन्ड होगा। मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बी, ए एक बॉन्ड है जो एब्जॉर्बेट के बीच में मौजूद है, यही है एब्जॉर्बेट, ये एक एब्जॉर्बेट है। ध्यान से देखिएगा, ए बी एक प्रकार का बॉन्ड है ए और बी के बीच में, और यह ए बी क्या है, एक एब्जॉर्बेट है। अब एब्जॉर्बेंट भी मान लीजिए कोई सब्सटेंस होगा, मान लेते हैं ये सी और डी सब्सटेंस है, तो ये C और D क्या है, एब्जॉर्बेंट है, तो इसके बीच भी एक बॉन्ड होगा। अब हम इन दोनों के बीच बॉन्ड बनाना चाहते हैं, यानी यहाँ पर जो AB लिए हैं उस AB का बॉन्ड हम किसके साथ बनाना चाह रहे हैं, CD के साथ बनाना चाह रहे हैं, AB का बॉन्ड CD के साथ बनाना चाह रहे हैं, तो तभी तो केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा। अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, लेकिन इसको जोड़ने से पहले इस बॉन्ड को हमको तोड़ना पड़ेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तब ये दोनों अलग अलग होंगे, तभी एक दूसरे के साथ जुटेगा। तो पहले क्या होता है, इसकी बात देखिए, केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पहले जो है हम एनर्जी देते हैं, जो एनर्जी हम देते हैं उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और यह एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, पहले इस बॉन्ड को तोड़ता है। जब ये दोनों बॉन्ड टूट जाता है तब जाके यह दोनों अलग अलग हो जाता है, ये भी अलग अलग हो जाता है, फिर आपस में ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से जुट जाता है, ए बी सी डी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुट जाता है। यही काम होता है यहाँ पर केमिकल एब्जॉर्प्शन में। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी के विषय में आपको बता रखे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, वह एनर्जी जिससे पुराना बॉन्ड टूटता है उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। किसी सब्सटेंस को पहले बॉन्ड, पुराना बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी तो नया बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इसमें बॉन्ड बनना है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, तो पुराना बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसलिए पहले हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है तो एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में जाता है टेम्परेचर, तो इंक्रीज करता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। लेकिन
जब ये टूट जाता है तो इस लिमिट पर पहुंच जाता है, मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाता है, उसके बाद ये दोनों आपस में जुट जाता है। जब जुट जाता है तो नया बॉन्ड बन गया, अब तो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है नहीं, नया बॉन्ड बन गया। लेकिन आप जब टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो उसके बाद क्या होगा, वो जो नया बॉन्ड बनेगा, ये आपका नया बॉन्ड मान लीजिए जो ए बी और सी डी के बीच में बना है, यह बॉन्ड भी फिर टूटने लगेगा। तो इसी वजह से हम लगातार अगर टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो पहले बार तो टेम्परेचर ठीक है इंक्रीज करते हैं तो इन दोनों बॉन्ड को तोड़ता है, उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके बाद बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जब बॉन्ड बन जाता है उसके बाद भी आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी इसके अंदर भी जाने लगेगा, ए बी सी डी के अंदर। तो जो नया बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को दोबारा तोड़ देगा, दोबारा तोड़ने लगेगा। जब तोड़ने लगेगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ये घटने लगता है। यही वजह है कि केमिकल एब्जॉर्प्शन का रेट टेम्परेचर के साथ फर्स्ट टाइम बढ़ता है और एक लिमिट के बाद रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन केमिकल एब्जॉर्प्शन का घटने लगता है टेम्परेचर इंक्रीज के साथ। यही चीज़ को हमने यहाँ लिख भी दिया है, देखिए रीजन में कि इनिशियली पहले यहाँ देख लीजिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कह रहा है क्या रीजन है, कहता है इनिशियली एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। कहता है पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी की हमें आवश्यकता होती है किस कारण से, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जैसे आपको बताया ना ए बी बॉन्ड तोड़ना है, सी डी बॉन्ड तोड़ना है, एंड फाइनली न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, उसका नया बॉन्ड बन जाता है। जो नया बॉन्ड बनता है उसमें एनर्जी निकलेगा, चूंकि आपको बता चुके हैं कि यह क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, विच इज एक्जोथर्मिक, तो एनर्जी ऑलरेडी पहले बाहर निकल रहा है। लेकिन इस केस में भी आप टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहे हो लगातार इसका, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे एंड इन दिस केस टेम्परेचर लगातार जब इंक्रीज करोगे तो अब तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सब्सटेंस को दे रहे हो। तो इन दिस केस नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी की अब जरूरत नहीं है। लेकिन आप टेम्परेचर जब लगातार बढ़ाते रहोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी जो नया कंपाउंड बना है उसको भी मिलता रहेगा। तो जो अब नया एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा बने हुए कंपाउंड को, वह क्या करेगा, फिर उस बने हुए कंपाउंड को भी तोड़ने लगेगा। जब कंपाउंड टूटेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसका घटने लगता है। इसी वजह से इसमें ये केस होता है। अब ध्यान से क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से टॉपिक, इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका से समझ लीजिएगा कि इसमें पहले बढ़ता है फिर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घटता रहता है। इसमें लगातार टेम्परेचर बढ़ाने से, चूंकि इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता इसलिए इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसलिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसका लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने क्लियर कर दिया है। अगले क्लास में हम नया टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आज का यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।